मॉर्निंग वैसे आज मैं आपको पहली कक्षा के दूसरा लेसन, क्या नाम है दूसरा पार्ट का नाम, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला मीन्स किसे कहते हैं, हिंदी अल्फाबेट्स। आप पहले आपको हिंदी पढ़ाई करने के लिए, पाठ पढ़ने के लिए क्या जरूरत है, हिंदी अल्फाबेट्स। हिंदी वर्णमाला आया तो सब कुछ आपको पढ़ने के लिए आता है। पहला स्वर, वर्णमाला में क्या रहते हैं, पहले स्वर। स्वर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ओवेल्स। क्या कहते हैं, ओवेल्स, VOWELS, ओवेल्स कहते हैं। कंप्लीट, यहाँ पे देखिए, पढ़े और अक्षर की आवाज पहचाने, रीड एंड आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ लेटर। यहाँ पे मैं हिंदी वर्णमाला को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए किस तरह आवाज आ रही है। पहला वर्णमाला क्या है, स्वर में पहला वर्ण कौन सा है, आ। आ। मैं आ कहकर कह रही हूँ, कौन सा साउंड आ रहा है, आ। एक इसे क्या कहते हैं, ये इंग्लिश अल्फाबेट। ये कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट है, ये हिंदी वर्णमाला है। आप ध्यान से इस आवाज को पहचानिए, आ। आ। आ मतलब दो ए आ रहे हैं, आ। ई। ई मतलब ये ई साउंड आ रहा है, ई। ये बड़ा ई है, ऊ। एक ही ऊ आ रहा है, ऊ। रु, रु भी कहते हैं इसे, रि भी कहते हैं, रु। ए, आई, ओ, औ, अम, अहा। फिर एक बार, आ, छोटा आ, आ, बड़ा आ, ई, छोटा ई, ई, बड़ा ई, उ, छोटा उ, बड़ा उ कैसे, किस तरह बुलाते हैं आप, उ। रू, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। फिर एक बार, मेरी आवाज को ध्यान से सुनिए आप, आ, आ, ई, ई, उ, उ, रु, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। फिर एक बार मैं कहूंगी, आप कहेंगे, ध्यान से सुनकर आप पढ़ाई करेंगे, आ, आ, ई, ई, उ, उ, रु, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, दो आ एक जैसे हैं, फिर यहाँ पे आगे मात्रा है, फिर और ई, ई, ये दो ई एक जैसे है, फिर इस ई को ई की मात्रा है, इसे ई की मात्रा कहते हैं। उ, दो उ एक जैसे है, फिर इस उ को इस तरह मात्रा है, इसे रु कहते हैं, एक ही रहता है, ये आई, ए, आई, इसे यहाँ पे आई की मात्रा है। ओ, औ, ओ तो एक ही है, औ को इस तरह औ की मात्रा है। अम, अम को कैसा है, यहाँ पे एक शून्य लगा है, आहा को यहाँ पे दो है। फिर एक बार मैं पढ़ूंगी, आप कहेंगे,